हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल जसपाल रावत। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं पर बोलने में बहुत मायने रखते हैं। तो कौन से हैं वो वर्ड्स? वो वर्ड्स हैं डू, डज एंड डिड। बहुत सारे लोग इन वर्ड्स का उपयोग नहीं करते हैं और गलत सेंटेंस बोलते हैं, जैसे यू गो टू स्कूल। इसका मतलब होता है आप स्कूल जाते हो। लोग इसे क्वेश्चन फॉर्म देते हैं, यू गो टू स्कूल। इसे ऐसे नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। तो आइए डू, डज और डिड का सही उपयोग सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमें सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है सब्जेक्ट यानी कि विषय, दूसरा है वर्ब यानी कि क्रिया, और तीसरा है ऑब्जेक्ट जिसपे क्रिया होती है। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। हमारे पास सात कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आई, मैं, वी, हम, यू, आप, ही, वह पुरुष, शी, वह स्त्री, इट या निर्जीव चीज के लिए, या जिसका हमें लिंग पता नहीं होता है, स्त्री है कि पुरुष है, दे, वे। इन सब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं सर्वनाम के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन प्रोनाउन द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन प्रोनाउन तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि प्रथम पुरुष, इसमें आता है वक्ता, बोलने वाला या बोलने वाले। तो ये कौन है? आई एंड वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं सुनने वाला या सुनने वाले, ये कौन है? यू। यू एक आदमी भी हो सकता है, यू अनेक लोग भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि तृतीय पुरुष में आते हैं जिनके बारे में बोला जाता है, जैसे कि ही, वह पुरुष, शी, वह स्त्री, इट, यह। इट हम लोग अधिकतर निर्जीव चीजों के लिए लगाते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, टीवी, फ्रिज वगैरह, या फिर जिसका हमें लिंग पता नहीं होता है, गाय, भैंस, बकरी के लिए। और दे, दे यानी कि वे। अब तक हमने तीन प्रकार के सर्वनाम सीखे। अब हम वाक्य बनाने के लिए इन सर्वनामों को दो ग्रुप में बांटते हैं। पहले ग्रुप में प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आई एंड वी और यू आ जाता है। सेकंड ग्रुप में तृतीय पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन एक वचन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, ये सब आते हैं। दे जो है वो अनेक वचन है, इसलिए दे जो है फर्स्ट ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड
सब्जेक्ट यानी कि विषय में सर्वनाम के अलावा हमें कुछ संज्ञा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी के नाम का, किसी वस्तु का। तो आइए देखते हैं ये कैसे क्लासिफाई होती है। बॉयज लड़के अनेकवचन ये ग्रुप वन में चले जाते हैं। बॉय लड़का एकवचन ये ग्रुप टू में जाता है। कार्स अनेकवचन ग्रुप एक में, कार एकवचन ग्रुप टू में। मोबाइल्स अनेक वचन ग्रुप एक में, मोबाइल एक वचन ग्रुप दो में। चिल्ड्रन अनेक बच्चे ग्रुप एक में, चाइल्ड एक बच्चा ग्रुप दो में। मेन अनेक पुरुष ग्रुप एक में, मैन एक पुरुष ग्रुप दो। सब्जेक्ट से निकलकर अब हम वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया है एक्शन वर्ड। जैसे कि ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, टॉक बोलना, सी देखना, वॉक चलना, प्ले खेलना, सिट बैठना, गिव देना, टेक लेना, गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, राइट लिखना वगैरह वगैरह। अब हम सीखेंगे कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है। सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरीज। डू डज, एम इज, आर, वाज, वर वगैरह वगैरह, ये सारी जो है सहायक क्रियाएं हैं। तो ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स के साथ में डू लगता है, और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ में क्रिया लगती है। जैसे आई ईट, वी प्ले, यू सिंग, दे गो वगैरह वगैरह। जो ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में डज लगता है, और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ में एस, ईएस और आईएस लगता है। ये उनकी क्रिया के साथ लगता है। जैसे ही ईट्स, शी प्लेस, बॉय वॉचेस, मैन ट्राइज। जो पहला वाला है ईट, वो फर्स्ट ग्रुप का है, ईट्स सेकंड ग्रुप का है। वॉच फर्स्ट ग्रुप का है, वॉचेस सेकंड ग्रुप का है। फ्लाई फर्स्ट ग्रुप का है, फ्लाइस सेकंड ग्रुप का है। अब हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट को क्रिया के साथ में एस या तो ईएस या तो आईएस लगेगा। आई जो है फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है, तो आई रीड नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ता हूं। सुनील सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट है, तो सुनील प्लेस फुटबॉल, सुनील फुटबॉल खेलता है। दे फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है, तो दे लाइक चॉकलेट्स, उन्हें चॉकलेट पसंद है। ही सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट है, ही गोज टू स्कूल,
वह स्कूल जाता है। वी फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट है, वी वॉच टेलीविजन। बर्ड सेकेंड ग्रुप का सब्जेक्ट है, तो बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ता है। ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि डू और डस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। डू और डस जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगते हैं और आप सेंटेंस जो है क्वेश्चन फॉर्म में चला जाता है, क्वेश्चन टाइप वन, जिसका जवाब हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। आई फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, डू क्वेश्चन फॉर्म। सुनील सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, डज। क्रिया का एस निकल जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म। दे जो है फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, डू। दे का टी स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म। ही सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, डज। एच स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा, गोस का ईएस निकल जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म। वी फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, डू। डब्ल्यू स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म। बर्ड सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, डज। बी स्मॉल, फ्लाइज का आईएस निकल जाएगा, वाई लग जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म। ये तैयार हो गए हमारे डू और डस टाइप के सेंटेंसेस। डू आई रीड नॉवेल, क्या मैं नॉवेल पढ़ता हूँ। डस सुनील प्ले फुटबॉल, क्या सुनील फुटबॉल खेलता है। डू दे लाइक चॉकलेट्स, क्या उन्हें चॉकलेट्स पसंद है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू वी वॉच टेलीविजन, क्या हम टेलीविजन देखते हैं। डज बर्ड फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में उड़ता है। तो ये थे हमारे डू और डज टाइप के सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे कि नकारात्मक सेंटेंसेस में डू और डज का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसमें डू नॉट और डोंट, डज नॉट और डजेंट यूज किया जाता है। डू नॉट और डोंट का एक मतलब होता है, डज नॉट और डजेंट का एक मतलब होता है। आप जो चाहे वो लगा सकते हो। आई फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसमें या तो डू नॉट लगेगा या डोंट लगेगा। सुनील सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसमें डज नॉट लगेगा या डजेंट लगेगा। और क्रिया का एस निकल जाएगा। दे फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसमें डू नॉट या डोंट लगेगा। वी फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसमें डू नॉट या डोंट लगेगा। ही सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसमें डज नॉट या डजेंट लगेगा। और क्रिया का ई एस निकल जाएगा। बर्ड्स
फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए डू नॉट या डोंट लगेगा. आई डोंट रीड नॉवेल, मैं नॉवेल नहीं पढ़ता हूं. सुनील डज नॉट प्ले फुटबॉल, सुनील फुटबॉल नहीं खेलता है. दे डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, उन्हें चॉकलेट्स पसंद नहीं है. वी डोंट सिंग सॉन्ग्स, हम गाने नहीं गाते हैं. ही डजेंट वॉच टेलीविजन, वह टेलीविजन नहीं देखता है. बर्ड्स डोंट फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में नहीं उड़ते हैं. नेगेटिव फॉर्म में डू और डज का यूज कैसे किया जाता है? अब तक आपको समझ में आ गया होगा. आगे देखते हैं. अब हम देखेंगे उन सेंटेंसेस को जहां पे डू एंड डज मेन क्रिया का काम करते हैं. आई डू एक्सरसाइज, यहां पे डू खुद एक क्रिया है. अब यहां पे वो सहायक क्रिया नहीं है, वो मेन क्रिया है. आई डोंट डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं. डू आई डू एक्सरसाइज, क्या मैं एक्सरसाइज करता हूं? डोंट आई डू एक्सरसाइज, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं? यहां पे हमने डोंट का यूज किया है. अब हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे. दे डू स्विमिंग, वे स्विमिंग करते हैं. दे डू नॉट डू स्विमिंग, वे स्विमिंग नहीं करते हैं. डू दे डू स्विमिंग, क्या वे स्विमिंग करते हैं? डू दे नॉट डू स्विमिंग, क्या वे स्विमिंग नहीं करते? अब डज का उपयोग. ही डज एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज करता है. ही डजंट डू एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज नहीं करता है. डज ही डू एक्सरसाइज, क्या वह एक्सरसाइज करता है? डजंट ही डू एक्सरसाइज, क्या वह एक्सरसाइज नहीं करता है? अब हम लोग डज नॉट फॉर्म में बोलेंगे. आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको अलग अलग रूप में बता रहा हूं. शी डज होमवर्क, वो होमवर्क करती है. शी डजंट डू होमवर्क, वो होमवर्क नहीं करती है. डज शी डू होमवर्क, क्या वो होमवर्क करती है? डज शी नॉट डू होमवर्क, क्या वो होमवर्क नहीं करती है? ये थे हमारे डू एंड डज के अलग अलग उपयोग, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस जो आपने मेरे इस वीडियो में सीखे. अब हम सीखेंगे डिड के सेंटेंसेस. हाउ डिड सेंटेंसेस आर फॉर्म. डिड इज यूज इन पास्ट टेंस सेंटेंसेस. डिड जो है वो पास्ट टेंस में उपयोग किया जाता है. डिड को लेकर सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? डिड के पॉजिटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप, ईट का एट हो जाता है, ड्रिंक का ड्रैंक हो जाता है, प्ले का प्लेड हो जाता है, सिंग का सैंग हो जाता है. यानी कि पास्ट टेंस, वर्ब का पास्ट टेंस. आई रेड नॉवेल, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसे पढ़ा रेड जाता है. सुनील प्लेड फुटबॉल. दे लाइक चॉकलेट्स. ही वेंट टू स्कूल. वी वॉच टेलीविजन. बर्ड्स फ्लू इन द स्काई. आई रेड नॉवेल, मैंने नॉवेल पढ़ा. सुनील प्लेड फुटबॉल, सुनील ने फुटबॉल खेला. दे लाइक चॉकलेट्स, उन्हें चॉकलेट्स पसंद आए. ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया. वी वॉच टेलीविजन, हमने टेलीविजन देखा. बर्ड फ्लू इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ा. इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर हम डिड का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन टाइप वन में. डिड जो है सब्जेक्ट से पहले लगता है और क्वेश्चन टाइप वन बनता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है एंड में.
I read novel, read past tense है, तो did लगने के बाद में past tense present tense में बदल जाता है. अब read और read का spelling same है, पर अब ये पढ़ा जाएगा did I read novel, क्या मैंने novel पढ़ा. Did Sunil play present tense हो जाएगा football, क्या सुनील ने football खेला. Did T small form में आ जाएगा like chocolates, did they like chocolates, क्या उन्हें chocolates पसंद आए. Did E small हो जाएगा, went का go बन जाएगा. Did he go to school, क्या वो स्कूल गया. Did W small form में आ जाएगा, watched का ed निकल जाएगा. और question form, did we watch television, क्या हमने television देखा. Did flew का fly हो जाएगा. Did bird fly in the sky, क्या पक्षी आसमान में उड़ा. अब हम did का नेगेटिव फॉर्म सीखेंगे. did का नेगेटिव फॉर्म होता है did not या didn't, didn't. I read novel, read जो है past tense है, did लगने के बाद में ये read हो जाएगा, spelling same है. I didn't read novel. Sunil played football, Sunil did not play football. They liked chocolates, they did not like chocolates. We sang songs, we didn't sing songs. He watched televisions, he didn't watch television. Birds flew in the sky, birds didn't fly in the sky. तो ये है हमारे डिड के नेगेटिव सेंटेंसेस. आई डिडंट रीड नॉवेल, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी. सुनील डिड नॉट प्ले फुटबॉल, सुनील ने फुटबॉल नहीं खेला. दे डिड नॉट लाइक चॉकलेट, उन्हें चॉकलेट पसंद नहीं आए. वी डिडंट सिंग सॉन्ग, हमने गाने नहीं गाए. वी डिडंट वॉच टेलीविजन, उसने टेलीविजन नहीं देखा. बर्ड्स डिडंट फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में नहीं उड़े. कुछ सेंटेंसेस में मेन क्रिया नहीं होती है, तो वहां पे डिड को मेन क्रिया का काम करना पड़ता है. जैसे आई डिड एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज की. आई डिडंट डू एक्सरसाइज, मैंने वर्जिश नहीं की. डिड आई डू एक्सरसाइज, क्या मैंने वर्जिश की. डिडंट आई डू एक्सरसाइज, क्या मैंने वर्जिश नहीं की. दे डिड स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग की. They did not do swimming, उन्होंने swimming नहीं की. Did they do swimming, क्या उन्होंने swimming की. Did they not do swimming, क्या उन्होंने swimming नहीं की. He did exercise, उसने exercise की. He didn't do exercise, उसने exercise नहीं की. Did he do exercise, क्या उसने exercise की. Didn't he do exercise, क्या उसने वर्जिश नहीं की. She did homework, उसने homework किया. She didn't do homework, उसने homework नहीं किया. Did she do homework, क्या उसने homework किया. Did she not do homework, क्या उसने homework नहीं किया. अगर मेरे इस वीडियो से आपको फायदा होता हो तो इसे लाइक कर देना. नीचे राइट साइड पर सब्सक्राइब है, वहां पर सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल शेप बटन आएगा, उस पर क्लिक करना. इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा. और फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स जरूर लिखें. इससे मुझे फीडबैक मिलता रहेगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप और क्या जानना चाहते हो, या फिर वीडियोस में और क्या चेंजेस चाहते हो. तो कमेंट्स जरूर लिखिए.
फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको डू, डज और डिड कितना समझ में आया। कॉम्प्लिकेशन तो डू और डज में है, डिड तो हर सेंटेंस के साथ चला जाता है पास्ट टेंस में। तो एक क्विक एनालिसिस टेस्ट हो जाए, आइए देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया डू और डज। शुरुआत करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, कौन से प्रोनाउन के साथ डू लगता है, कौन से प्रोनाउन के साथ डज लगता है। मैं थोड़ा रुक रुक कर बोलूंगा, आपको जरा जल्दी जल्दी सोचना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है कार, एक वचन है डज। ग्लास, एक वचन है डज। विंड, बहती हवा, एक वचन है डज। डोर्स, अनेक दरवाजे हैं डू। समवन, कोई एक डज। पेरेंट्स, डू। मैन, डू। एम ई एन अनेक वचन है इसलिए डू। वुमेन, एक वचन है डज। ट्री, अगेन एक पेड़ है डज। चिल्ड्रन, डू, अनेक बच्चे हैं। वी, डू। ही, डज। शी, डज। आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अनेक क्वेश्चन की कैटेगरी, डू। दे, डू। इट, डज। राम, डज। यू, डू। बॉयज, डू। गर्ल्स, डू। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप डू और डज का उपयोग सही तरह से सीख गए होंगे। अब जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते रहिए और सही जगह पे उनका उपयोग कीजिए और फिर अपनी इंग्लिश में सुधार देखिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।